हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसान स्टारडस्ट में। और फ्रेंड, आज की स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड स्टार एक्टर रवि बहल के बारे में। रवि बहल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर और इसके अलावा टीवी के लिए एज अ प्रोड्यूसर पहचान रखते हैं। और उनकी प्रोडक्शन का शो बुगी वुगी, जिसके प्रोड्यूसर थे वो नावेद जाफरी के साथ, और जावेद जाफरी के साथ ये शो वो करते थे। और ये इंडियन टीवी इंडस्ट्री का पहला डांस रियलिटी शो रहा था। वीवर, बात करें रवि बहल की, तो उन्होंने अपनी फिल्मी करियर का आगाज एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट किया था। रवि बहल को मार्शल आर्ट सीखने का काफी शौक था। एक टाइम पर वो एक पार्क में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे थे, तो फिल्म डायरेक्टर रवि कांत नागाइज की उनके पर नज़र पड़ी और इस छोटे से बच्चे को मार्शल आर्ट करते देख उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और अपनी एक फिल्म के लिए उन्होंने साइन कर दिया रवि बहल को। फिल्म का नाम था मोर्चा, जो कि 1980 को रिलीज हुई थी। और एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रवि बहल का फिल्मी करियर का आगाज हुआ। और इस तरह एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रवि बहल ने 5 मूवीज में काम किया और उसके बाद उन्होंने एज अ हीरो डेब्यू किया 1991 में रिलीज होने वाली मूवी नरसिम्हा से। इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे सनी देओल और डिंपल कवाड़िया। रवि बहल की इस फिल्म में जोड़ी बनाई गई थी उर्मिला मडुनकर के साथ, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एज एन एक्टर रवि बहल की रिलीज होने वाली तमाम मूवीज की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो इवर, सबसे पहले हम रवि बहल की एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रिलीज होने वाली मूवीज का जिक्र करें। तो 1980 में रिलीज होने वाली मूवी मोर्चा में डेब्यू किया था एक्टिंग का एज अ चाइल्ड एक्टर, इस फिल्म में नजर आए थे। 1984 में टीवी मिनी सीरियल, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की, द फार पवेलियंस, इसमें भी नजर आए थे रवि बहल। 1984 की मूवी इंतहा, इस फिल्म का भी हिस्सा थे। और इसी तरह 1986 की मूवी अविनाश का भी हिस्सा थे रवि बहल। और 1988 में रिलीज होने वाली मूवी खरीदार, इस फिल्म में भी नजर आए थे रवि बहल। एज अ हीरो रवि बहल का डेब्यू हुआ था 1991 में। फिल्म का नाम था नरसिम्हा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एन चंद्रा ने। फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे सनी देओल, डिंपल कपाड़िया। और इस फिल्म में रवि बहल ने स्क्रीन शेयर किया था उर्मिला मातोंडकर के साथ, और उनके साथ ओम पुरी भी इस फिल्म का हिस्सा थे। नरसिम्हा मूवी रिलीज हुई थी 5 जुलाई 1991 को और ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 5.6 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 60 लाख और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए थे 5 करोड़ 20 लाख। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 9 करोड़। और कमाई के एतबार से नरसिम्हा, जो कि एज एन एक्टर रवि बहल की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी, बॉक्स ऑफिस पर ये एक हिट फिल्म साबित होती है। पार्थो घोष की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी दिल ने इकरार किया। फिल्म की लीड कास्ट में रवि बहल, सुपर्णा आनंद, रीता बाउदरी, शक्ति कपूर, आलोक नाथ और रीमा लागू शामिल थे। और ये फिल्म 24 अगस्त 1992 को रिलीज हुई थी। दिल ने इकरार किया एक रोमांटिक मूवी थी। फिल्म का बजट था 85 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 25 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 52 लाख और कमाई के एतबार से दिल ने इकरार किया ये एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। रमेश लखानिया के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बॉयफ्रेंड। फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे रवि बहल, शीबा, सतीश शाह, आरिफ खान, किरण कुमार। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 15 अक्टूबर 1993 को। बॉयफ्रेंड एक रोमांटिक मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 4.9 स्टार दिए गए थे, लेकिन कमाई के एतबार से बॉयफ्रेंड बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और व्यूअर, पार्थो घोष ही के डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी दलाल। फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जोलका, राज बब्बर, रवि बहल, शक्ति कपूर और रीटा बहादुरी। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 29 अक्टूबर 1993 को। दलाल एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 6 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 50 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ 70 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 9 करोड़ और कमाई के एतबार से दलाल एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। आकाशदीप की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी प्यार का रोग। फिल्म की लीड कास्ट में रवि बहल, शीबा, बिंदु, शमी कपूर, अनुपम खेर शामिल थे। और इस फिल्म में संजय दत्त, विनोद खन्ना और चंकी पांडे ने स्पेशल अपेयरेंस दिए थे। यह फिल्म रिलीज हुई थी 29 अप्रैल 1994 को। प्यार का रोग एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 3.8 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 45 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 18 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 33 लाख और कमाई के एतबार से प्यार करो ये एक डिजास्टर मूवी करार दी गई।
आकाशदीप की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी मेरी मोहब्बत मेरा नसीबा। फिल्म की लीड कास्ट में रवि बेल, सांची, मनेश बेल, सुरेश ओबराय और अनुपम खेर शामिल थे। ये फिल्म 8 दिसंबर 1995 को रिलीज हुई थी और ये भी एक रोमांटिक मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 3.2 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 55 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में जस्ट 5 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 8 लाख और कमाई के एतबार से मेरी मोहब्बत मेरा नसीबा ये एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। पार्थो घोष की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अग्नि साक्षी। फिल्म की लीड कास्ट में जेकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, मनीषा कोराला, रवि बेल शामिल थे और यह फिल्म 15 मार्च 1996 को रिलीज हुई थी। अग्नि साक्षी एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 6.1 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 4 करोड़ 75 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 19 करोड़ 52 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 27 करोड़ 61 लाख और कमाई के एतबार से अग्नि साक्षी एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई थी। और व्यूअर, पार्थो घोष ही की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी गुलामे मुस्तफा। फिल्म की लीड कास्ट में नाना पाटेकर, रवीना टंडन, रवि बेल, परेश रावल, अरुणा ईरानी और मनीष बेल शामिल थे। ये फिल्म 31 अक्टूबर 1997 को रिलीज हुई थी। गुलामे मुस्तफा ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 6.6 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 5 करोड़ 50 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 8 करोड़ 81 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 12 करोड़ 26 लाख और कमाई के एतबार से गुलामे मुस्तफा एक सीमी हिट मूवी साबित हुई। डी आर घोषाल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सरफरोशे हिंद। फिल्म की लीड कास्ट में रवि बहल, मेघना डिसाई, अनुपम खेर, इशरत अली और सदाशिव अमरपालकर शामिल थे। ये फिल्म 1999 को रिलीज हुई थी और ये एक्शन मूवी थी, लेकिन इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की इंफॉर्मेशन कहीं पर अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो हो सकता है कि कमाई के एतबार से एक डिजास्टर मूवी करार दी गई हो और इतनी जल्दी ये फिल्म उतर गई हो कि कलेक्शन की तफसीलात ही ना मिल पाई हो। प्रतिमा कुलकर्णी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी स्कूल। फिल्म की लीड कास्ट में रवि बहल, यशुधन बाल, नरेंद्र गुप्ता और किरण कुमार शामिल थे और ये फिल्म 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी। स्कूल एक ड्रामा मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 6.3 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 40 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 5 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए जस्ट 7 लाख और कमाई के एतबार से स्कूल एक डिजास्टर मूवी करार दी गई थी। प्रतिमा कुलकर्णी और खालिद बाटलीवाला की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सलाम बच्चे। फिल्म की लीड कास्ट में रवि बेल, मेघन जाधव, सीमा देशमुख और राजेश हिरजई शामिल थे। ये फिल्म 2007 को रिलीज हुई थी और ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 5.8 स्टार दिए गए थे। फिल्म YouTube पर अवेलेबल है, लेकिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं पर नहीं मिल रहे हैं और वर्डिक्ट के एतबार से सलाम बच्चे बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी और यही एज एन एक्टर रवि बेल की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। तो अगर एज एन एक्टर रवि बेल की रिलीज इन तमाम मूवीज का अगर सक्सेस रेशो निकाले तो एज एन एक्टर रवि बेल 16 मूवीज का हिस्सा रहे हैं, जिनमें से उनकी एक मूवी ब्लॉकबस्टर, एक मूवी सुपरहिट, एक मूवी हिट और एक सिमी हिट करार दी गई है और उनके कंप्लीट करियर में एक मूवी फ्लॉप और 6 मूवीज डिजास्टर रही हैं और 5 मूवीज में रवि बेल ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। तो इस हिसाब से रवि बेल के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशियो बनता है 36.36%। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एज एन एक्टर रवि बेल का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज किया। व्यूअर, बेशक रवि बेल की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही हों, लेकिन उनकी मूवीज़ के सॉन्ग और उनका डांस 80s और 90s के एरा में दर्शकों को बेहद पसंद था। आप भी उन दर्शकों में शामिल हैं जिन्होंने रवि बेल की उन गानों को सुना है या नहीं, कमेंट सेक्शन में सिलसिले में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और एज एन एक्टर रवि बेल की इन तमाम मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ हैं, कॉमेंट सेक्शन में उन मूवीज़ के नाम मेंशन करना भी न भूलिएगा। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।